फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिसको डालने के बाद आपके प्लांट में सर्दियों भर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और फूल भी अच्छी मात्रा में आएंगे। इस फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा और पौधे की मिट्टी में यदि किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस या चींटियाँ हैं तो उनको दूर करने का भी काम करेगा, क्योंकि जब तक प्लांट की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है या पौधा इंसेक्ट या फंगस की चपेट में होता है तो हम किसी भी तरह का प्लांट में फर्टिलाइज़र डालते हैं, पौधे में इसका फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यदि आपके प्लांट की अचानक ग्रोथ रुक गई है या पौधे ने एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर दिया है, पौधा लगातार ग्रोथ कर रहा है लेकिन उसमें फूल ही नहीं आ रहे हैं, कलियाँ ड्रॉप हो जाती हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट में महीने में एक बार ज़रूर उपयोग करें। इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों में प्लांट में ढेरों कलियां बनना शुरू हो गई हैं और पौधे अच्छे आकार में फूल दे रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र को मैंने अपने रातरानी के प्लांट में डाला था, इसमें बड्स नहीं बन रही थी, तो देखिए इसका रिज़ल्ट भी आप देख लें, पूरा पौधा बड्स से भर गया है और इसमें रात के समय बहुत अच्छी फ्लॉरिंग हो रही है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट में लगातार ग्रोथ और फूल पा सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, सभी फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सभी के लिए उपयोगी है। आप मेरे मॉस रोज प्लांट को भी देख रहे होंगे, देखिए इस फर्टिलाइज़र के उपयोग से इसमें अभी भी बहुत अच्छी फ्लॉरिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा कलियाँ बन रही हैं। इसी तरह से आप ये पारिजात का प्लांट देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी फ्लॉरिंग हो रही थी लेकिन कुछ दिनों से फूल आना बंद हो गए थे, तो मैंने इस पर भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और देखिए इसमें फिर से कलियां बनना शुरू हो गई हैं और फूल भी खिल रहे हैं। तो ये फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है जिनमें एक बार फूल आना बंद हो गए हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे में नई ग्रोथ शुरू होगी और नई ग्रोथ होने के बाद प्लांट में फ्लॉरिंग भी होगी। क्यों, और जिन पौधों में अभी फूल आना शुरू हुए हैं उनमें आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं, इससे प्लांट में बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम नहीं होगी और पौधा अच्छी तरह से अच्छे आकार में फूल खिला पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये बर्मी कंपोस्ट। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट लिया है क्योंकि मैं अपने बहुत सारे प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर चुकी हूँ। बर्मी कंपोस्ट हम सभी जानते हैं पोषक तत्वों से भरपूर है, इसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी ये कंपोस्ट है। इसका यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर महीने में एक बार ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। 1 चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यूज़ की हुई चाय पत्ती का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी तरह से धोकर आपको सुखाना है, उसके बाद ही अपने प्लांट पर इसका यूज़ करना है। गीली चाय पत्ती या बिना धोई हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे प्लांट की मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है। यदि आपके पास ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप आधा छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर सकते हैं। यदि इसके फ़ायदे की बात करें तो पौधे की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है ये चाय पत्ती। जब प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस रहता है तो पौधे फ्लॉरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे में अच्छी ग्रोथ में मदद करता है। तीसरी जो चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये सरसों के दाने का पाउडर। आपको सरसों के दाने ले लेने हैं और उनको पीस लेना है। पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा, इसका यूज़ हमें करना है क्योंकि इसमें पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं और जिस तरह से सरसों की खली का प्लांट के लिए फ़ायदा है उसी तरह से ये सरसों के दाने का पाउडर भी पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पौधे की नई ग्रोथ और पौधे में फूल लाने के लिए इस पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर लिया है, जो काली वाली सरसों आती है उसको मैंने पीस लिया है। चौथी चीज़ भी आप यदि प्लांट में यूज़ करते हैं तो इससे पौधे की इंसेक्ट से और चींटियों से रक्षा होगी, ये है नीम खली। नीम खली से इंसेक्ट और फंगस चींटियाँ तो दूर रहते ही हैं, साथ ही इसमें कई पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो मैंने इन चारों चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है
आपको एक छोटा चम्मच नीम खली का यूज़ करना है। अब इसे हमें अपने प्लांट में सॉइल में डालना है। तो जिस भी प्लांट में आप इस फर्टिलाइज़र को डाल रहे हैं उस प्लांट की सॉइल को थोड़ा सा हल्का कर लेना है, स्टेम से दूर जगह कर लेनी है और उसके बाद पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है। बड़ा पॉट है आप दो मुट्ठी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, छोटा है तो एक मुट्ठी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपको मिट्टी से वापस ढक देना है और पौधे में वाटरिंग कर देनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधे की बहुत सारी समस्याएं बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू।